हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया में ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में क्यों हैं और ऐसा क्या रीज़न है कि इनमें से ज़्यादातर कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि क्यों गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में होती हैं या क्या कारण है गवर्नमेंट कंपनीज के प्रॉफिटेबल ना होने का। दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ की प्रॉफिटेबल ना होने का कारण, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल चूज़ किया था और जो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, माइंस, ऑयल, गैस, पावर, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी, इन सभी को अपने कंट्रोल में रखा था ताकि इन इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ आ सके और लोगों को जॉब मिल सके। दोस्तों, इसी पॉलिसी के कारण इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच गया था। 31 दिसंबर 1989 में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेक्स रिज़र्व 5,277 करोड़ रुपीस का था, जो कि घटकर 1990 में 2,152 करोड़ का रह गया। एंड दोस्तों, 1991 में इंडिया के पास सिर्फ अब जो भी एसेंशियल्स गुड हैं उनको इम्पोर्ट करने के लिए सिर्फ 3 हफ्तों के लिए फ़ंड अवेलेबल था और गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी लोन की ज़रूरत थी। तभी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का लोन लिया था और प्लेज में 67 टन इंडियन गोल्ड रिजर्व एज ए कोलेटरल रखे थे। दोस्तों, इस लोन के कारण इंडिया कुछ समय तक स्टेबल रह पाया था। फिर जो 9th प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था एंड इस रिफॉर्म के बाद इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ओपन हो गई थी और इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट साइन किया था। दोस्तों, आप WTO के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, WTO के एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अदर कंट्रीज़ की कंपनीज़ को रोक सके कि यहाँ पर बिजनेस करने से। एंड दोस्तों, फॉरेन कंपनीज़ के कंपटीशन के कारण जो भी गवर्नमेंट कंपनीज़ थी वो हैवी डेट में आ गई। तो आप जानते हैं कि फॉरेन कंपनीज़ के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और फंड की कोई कमी नहीं थी और दोस्तों इंडियन पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ थी उनको फॉरेन कंपनी से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा था और दोस्तों यहीं से पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का डाउनफॉल शुरू हुआ। दोस्तों, यही मेन रीज़न है कि सभी गवर्नमेंट कंपनीज़ ज़्यादातर लॉस मेकिंग हैं या डेट में हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं उनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो नए फ्रेमवर्क बनाती है कंपनीज़ के लिए। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो WTO के साथ एग्रीमेंट है। दोस्तों, अब हम कुछ और रीज़न्स जानते हैं। कोटा सिस्टम, दोस्तों आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं उनमें कोटा सिस्टम होता है जिसमें जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने फेवर के लिए गवर्नमेंट कंपनीज में कोटा सिस्टम सेट करते हैं जिससे सभी तक अपॉर्चुनिटी पहुंच सके और वो गवर्नमेंट कंपनीज में काम कर सके। दोस्तों, थर्ड रीज़न है स्कैर्सिटी ऑफ फंड। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरह गवर्नमेंट कंपनीज ओपन मार्केट से फ़ंड नहीं रेस कर सकती। गवर्नमेंट कंपनीज़ को फ़ंड रेस करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उनके मैनेजमेंट में किसी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। जो भी मैनेजमेंट डिसीजन करता है कंपनीज़ के लिए करता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए करता है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। एंड दोस्तों, जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तभी वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। बट दोस्तों, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज़ की डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है, 6%, 7%, 8% डिविडेंड यील्ड होती है। दोस्तों, उनको डिविडेंड देना ही पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के डिविडेंड भी होता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न है इनएफिशिएंट वर्कर्स। गवर्नमेंट कंपनीज़ में ज़्यादातर वर्कर्स, सब नहीं ज़्यादातर वर्कर्स पेंशन की तरफ सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं और उनका मोटिवेशन कम रहता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कंपनी की ग्रोथ बढ़े। सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादातर अवेल की जाती हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बेकार हैं या सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, नहीं है। दोस्तों, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है कंपनी के मैनेजमेंट में और जो कंपनी के ग्रोथ के लिए फ्रेमवर्क्स होते हैं
उनमें बार बार गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है उनके कारण जो भी इम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेशन नहीं आता कि वहाँ पर काम कर सकें एफिशिएंटली। यही मेन रीजंस होते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादातर लॉस में हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के ये लॉस मेकिंग से रिवाइवल का क्या क्या प्लान हो सकता है। दोस्तों फर्स्ट स्टेप तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो भी मैनेजमेंट है उनको ये फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट बना सके और डिसीजंस ले सके कंपनी के ग्रोथ के लिए, बार बार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो कंपनी के रूल्स में। एंड दोस्तों सेकंड स्टेप हो सकता है पार्शियल या फुल डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने स्टेक सेल कर सकती है जिससे जो प्राइवेट प्लेयर होगा उनका स्टेक बड़ा होगा तो वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और उनका मेन मोटिव कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। दोस्तों यही मेन रीज़न है जिससे गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में होती हैं और उनके रिवाइवल का प्लान इजी है। दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद।